विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसमें 51,000 पौधे रोपने की जिम्मेदारी बजरंग दल को सौंपी गई है। ये अभियान 23 जून से शुरू किया गया है, वहीं आगामी 30 जून तक ये अभियान जारी रहेगा। ये जानकारी बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद दल के प्रांत संयोजक एवं अधिवक्ता तुषार डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म हो गई है, लेकिन संभावित तीसरी लहर में सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अधिकतर मरीजों की मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। बजरंग दल को भी पौधारोपण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों में एक पेड़ पर 30 लोग निर्भर हैं, वहीं यहां पर एक पेड़ पर 450 लोग निर्भर हैं। लगातार बढ़ता कटान भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा आम लोगों का सहयोग लिया जाएगा, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे, जो लगाने के प्रति प्रेरित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख पौधा रोपित करने का, फलदार वृक्ष का पौधारोपण तथा उनका वितरण, ऐसा एक अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। इसमें बजरंग दल 51,000 पौधा रोपित करेगा। इसमें वातानुकूलित पौधे जैसे लोअर हिमाचल के लिए अलग, अपर हिमाचल के लिए देवदार, बान, चीड़, लोअर हिमाचल के लिए आंवला, नीम, इस प्रकार के पौधा रोपित हम करेंगे। और इनका वितरण जैसे तुलसी के पौधे, इस प्रकार के वितरण भी करेंगे। हम मीडिया के साथ प्रशासन को हर प्रकार से पौधा वितरण करेंगे, ताकि वे एक जन सामान्य, एक आंदोलन ऐसा बने, ताकि प्राणवायु जिस प्रकार के कोरोना कालखंड में कम हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है, इस जान को ना जाने के लिए, हम लोग बचाने के लिए अभियान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 23 जून से शुरू किया है, जो अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर, शिमला में, रामपुर, किन्नौर, चंबा में, तीसा, इन जगह में जोरों से ये अभियान चल रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक 120 प्रखंडों के अंदर और 26 संगठनात्मक जिलों के अंदर हम ये इस अभियान में बढ़ चढ़कर सभी जन सामान्य का सहयोग लेंगे, और आम व्यक्ति से भी बातचीत करते हुए वे अपनी निजी भूमि पर हर प्रकार से इस पौधा रोपित करें,